हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब सभी बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। पता है खुशी इस चीज़ का नहीं होता है कि रक्षाबंधन है, खुशी इस चीज़ का होता है कि आज पैसा मिलने वाला दिन है। पैसा, बेफिजूल का पैसा हमें आज के दिन मिलता है। अरे मैं चाहती हूँ ना हर मंथ आए रक्षाबंधन, ताकि हमारा पॉकेट भरा रहे। तो हैप्पी रक्षाबंधन सबको, ठीक है? तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं। पहली बार लिपस्टिक तो एकदम चकाचक लगा लिए हैं, तो चलिए हम लोग अभी राखी बांधते हैं और मेरा भाई से पैसा लेते हैं। 1 बजे से स्टार्ट है और हम लोग पता है लेट हो गया काम धंधा करने में। ये रहा 10 रुपये का मिठाई, सोचिए 10 रुपये का मिठाई से लोग फका जाता है, हम लोग को 100 रुपये मिल जाता है। वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। हर मंथ आप लोग करो, डेट डालो, हर मंथ रक्षाबंधन आना चाहिए और हमारा पॉकेट भरा रहना चाहिए। समझ में आया आप लोग को? मेरा मम्मी ने हम लोग के लिए दाल भात बना के भाग गई, सोचिए। अभी हम लोग लाए हैं स्पेशल, अभी मेरी फुआ लोग भी आएंगे तो खाना पीना भी बनेगा टेस्टी टेस्टी, क्योंकि आज चिकन तो खा नहीं सकता, आज पूर्णिमा भी है। अब कल खाएंगे चिकन, तो हम लोग के साथ पनीर खाइएगा, ठीक है? बहुत टेस्टी बनता है हमारे घर में पनीर। ये रहा मेरा भाई और ये कल ही नया नया कपड़ा खरीदा है रक्षाबंधन के लिए। ऐ माल लाया है ना? हाँ लाया है वो। गाना नहीं बज रहा यार साइड से, गाना बजता तब ना मजा आता। नियम के अनुसार रक्षाबंधन बनाए जा रहे हैं। 10 रुपया में फोका जाएगा और 100 रुपया हमें मिल जाएगा। सही में 10 रुपये का मिठाई से फोका जाता है तुम लोग? कोई नहीं कोई नहीं, हम लोग को देगा तो हम लोग तेरा रक्षा करेंगे। तू तो छोटा हो गया, हम लोग का रक्षा करेगा? एनी मिठाई, कौन सा मिठाई खाना है? डब्बा वाला चाहिए? मेरा भाई होशियार है, महंगा वाला मिठाई खाने खोज रहा। ये वाला छोटी दीदी का होटल में मिलता था वाला। ये रहा गोंद लड्डू, अच्छा होता है। तुमको अक्ल नहीं है, तोड़ो और खिलाओ, भूखी है। उसको रखो दूसरा हाथ में, आधा दो, आधा खिलाओ। ठीक है ठीक है। माल लाने जा रहा है भाई, कहाँ रखा है? और देखो तेरा माल हमको यहाँ से दिख रहा है, निकालो तिजोरी भर के अपना माल, झोला भर के माल लाया ही तो। वाह, अब अच्छा से बांधेगी तुमको छोटी दीदी गिफ्ट का नाम सुन के। हाँ दे दो, ये लो दीदी तुम्हारे लिए, बोलो। वाह। ये रहा छोटी दीदी का बारी और ये छोटी दीदी लगा रही है रक्षा बंधन। लीना पारो के बदला भी हम लोग बांध दे रहे इसको। बोलो बाबू, जो आया वो पाया, जो गया वो खोया। बाबू 50 रुपये धरा देना, चिकन चिल्ली खा लेगी वो लोग। खिला दो। वाओ, माल निकाला जाए माल, देख लो क्या नाम लिखा हुआ। बरखा दीदी बैठ के दो या खड़े होके दो, दिया गया ना तेरा फोटो गिन दे।
रहे हो, मतलब पूरा चाहिए खा ले लो, मतलब खा लो कुछ तो खिलाओ उसमें से कोई हमको, एगो कैडबेरी लाना। इतना दूर का है रखा है टेबल, सामने करो। कोई नहीं तोड़ के खिला, जूठा हो जाएगा ना पूरा। पैच हुआ, बड़ा का पैच हुआ जाता है। सुमा ले सुस्त दीजिए, ऐसे नहीं होता है माली। ये रहा गिफ्ट, ये देखो। अरे तुम अपना हटा तो रुमाल, कम से कम दिखो, कम से कम रोशनी में तो दिखो, अंधेरा में तो दिखता नहीं है। अब हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे हमारा। पता नहीं मेरे भाई ने क्या गिफ्ट दिया है, ऐसे गेस तो कर ही लेंगे हम लोग क्या हो सकता है। लुदुर बुदुर कर रहा है ब्लर दिखने। ठीक है बोलती है तुमको, के साल में अपना 17 साल में एक बार तुमको गिफ्ट दे रहा है, तुम बोले ठीक है वो भी नहीं मिलता तुमको, समझी ना हम लोग को। तो पीछे जाओ ना, धूप से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिख नहीं रहा, और पीछे जाओ। हाँ छवा क्या, उसको बड़ा भी तो कर सकती है तुम। अरे बाबू कहाँ गया, मेरे भी तो है। मैं अपना गिफ्ट अनबॉक्स करती हूँ, ठीक है। इसको अच्छा से रखेंगे यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छी तरह का से फाड़ेंगे इसको, सच बता रहे मेरा भाई का। पता नहीं गौतम तुम्हारा कितना साल हो गया, 16? ये रहा खुद को नहीं पता इसका कितना साल, और शायद 16 हो रहा है। और 16 बचपन से पहली बार आज 16 साल के बाद हम लोगों को गिफ्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरा पापा ना हम लोग को 10-10 रुपए दे के ठग देता था। तो क्या करेगी पैसा, फैन कैसे लावा, फैन ऑन करो ना, सही में बहुत ही लग रहा है, गर्मी लग रहा है। ये रहा तो पकड़ रख ले, तू मेरा काम करती तो हम कहीं जाते कि नहीं जाते। ये पहले से मैं सिखाया आप बोल रहा हूं। एक्चुअली बैग ना पता है किसके वजह से ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसके वजह से, इस चेन की वजह से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो थोड़ा सा फीका फीका लगेगा। देखिए ये सारा प्लानिंग मेरा ही है गिफ्ट खरीदने का, समझी ना, इसलिए जो मिला आपको खुश हो जाओ। बड़ी दीदी का भी है पर वो है नहीं, वो है अभी खुटी पे, पता नहीं उसका क्या मूड हो गया खुटी जाने का तो चली गई। पर कोई बात नहीं, बड़ी दीदी का बदला राखी दीदी छोटी बांधी तो वो गिफ्ट छोटी दीदी को मिल जाएगा, अच्छा है ना। कमेंट करके बताओ कैसा है बैग, ठीक है। और अभी भैया लोग आने वाले हैं, देखते हैं कब तक वो लोग आएंगे। उसके बाद मनी 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 चलिए खाते खाना, जो मेरी मम्मी हम लोग ले दाल भात बना के चल गई है, उसके बाद कुछ अच्छा बनाएंगे। अभी मेरी फुआ को फ़ोन करते हैं, पता लगाते हो क्या कर रही है, क्योंकि वो हर बार लेट करती है। पापा का फोन से कॉल लगा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए। मम्मी कहाँ है? हमको दिखाओ तो, वीडियो कॉल पे हमको देखना है, तुम लोग झूठ बोलता है। कितना लेट लगेगा आपको, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। तुम अपना थोबड़ा मत दिखा, एकदम गोबर की तरह दिख रहा है। सही में आज आप बंदर, तुझे राखी बांधूंगी। चली गई मम्मी, आ जा जल्दी, आ वेट कर रहे हैं। फिर जब बात करती आदमी शाम तक उपास रख के आएगा। हाँ खाना
एक दिन भाई के लिए नहीं आदमी पास रहा था तो आता रोज पास रही सर इतना तो आदत है ज्ञान मिलता है सबको पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था धीरे-धीरे सब रूम लोकेशन सब चेंज हो रहा है खिलाओ फोका गया बाबा 10 रुपया में अभी 500 रुपया का कड़क नोट निकाल के दो खुश रहो सदा खुशी रहो टाइमिंग देख रहे इनका आने का 5:30 बज गया है अब कहाँ आती है तब कहे नहीं बोले चाहते ओम जगदीश हरे जल्दी से पॉकेट से पैसा निकाल दे रे नहीं तो मेरे पीछे से निकलेगा भूम भाव आज ही पैसा कमाने का दिन और सारा कहीं नहीं लेके अपना मोहल्ला का आदमी लोग को लेके आ जाता की हाय पिंकी ए पिंकी तुम बोलती क्यों नहीं ए पिंकी तुम बोलती क्यों नहीं हो पिंकी पे ना देखो ना भाई बहन का देखो पहले खिला चाचा का नहीं बोले ये मेरी बड़ी फुआ है और ये हमारे लिए ब्रेड ला दी है ब्रेड चॉप अब मेरे पापा अभी 8 क्लास के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे एग्जाम के लिए इधर सेल्फी चल रहा है पर खा लेते हैं उसके बाद राखी बांध रही है बड़ी मम्मी देखो बड़ी मम्मी को दिखा दो ऐसा लगाती है दोनों हाथ आरती का तो पैसा नहीं था मेरा कहने से आया तो गया था ने मांगा था पहले ही बोला पैसा अरे बामा विष्णु महेश आरती दीदी का बदला लेते आए थे बोल के बांध दिए दे रही नहीं आ रही बोले तुम लेते हैं देख रही है कौन आया वर्षा दीदी का गिफ्ट हम लोग नहीं खोले हैं तो वो आएंगी क्योंकि वो है खुटी में तो उनका गिफ्ट हम लोग नहीं ना खोल सकते वो आएंगी तो खोलेंगी तो हम लोग का ब्लॉग यहीं पे दी एंड होता है अभी हम थोड़ा सा मैगी खाएंगे क्योंकि मैगी खाने का हमको मन कर रहा है मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये रहा मेरा मैगी मुझे ऐसे ही पसंद है हमें 1 रुपया भी नहीं मिला इस बैग से खुश हो गया बस और कुछ नहीं चाहिए तो यही है मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय